बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं। छोटी भाई बहन ने भी बीजेपी छोड़ दी थी, 3-4 महीने हो गए। सुख सा पा रहा हूँ, खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। बार भाजपा सीमा पार, सीमा से पार के लिए मैं तो चूरू जिले से आता हूँ। मारे तो मोरिया बोलता है 18 साल बने तो खाले गए। अरे किम बुलवाओ गे के बुलवाओगा दो मोहल्लों का पड़ी ने बुजुर्ग ला लिया जो का पड़ी आ रहा हूँ होगा। मेरे संसद में साथी उमेदा राम जी, बढ़िया साहब, जिन लोगों को आपने चंडीगढ़ भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया के इंतजाम है। हाथ पड़ता हाथ झाड़ा जा रहा कर दिया के इंतजाम है। अरे किम कमी रहेगी मात्र शक्ति का नहीं, अरे कर दिया के इंतजाम है। ठीक है भाई, सारा सम्मानित मंच, मैं चूरू का हमारा पड़ोसी हूँ भाई। शिवानी और राजगढ़ में ज्यादा फर्क बनी और आज लोहारू विधानसभा से फर्टिया साहब के लिए वोट मांगने की अपील करने के लिए आया हूँ। मेरे बारे में किन बताऊं था, ये लोग की भाई बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं। छोटी भाई बहन ने भी बीजेपी छोड़ दी थी, 3-4 महीने हो गए। सुख सा पा रहा हूँ, खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है। पर आज अजय उदय जी का धन्यवाद दूंगा, दो गानों के मार्फत सारी बात बताने की कोशिश करी है। चुनाव के अंदर जिस विचार को लेकर चल रहे ये चुनाव विधायक बनाने तक का सीमित नहीं है साथियों। 2024 के आम चुनाव के अंदर जो भाजपा 400 का नारा लेकर चली थी, उस 400 के नारे को 240 तक सीमित करने का काम किया, तो इस किसान और किसानी ने काम किया इस बात का। और आज इस 2024 के चुनाव के अंदर 240 का मतलब समझ लो क्या है। बीते हुए 4 महीने के अंदर 6 बार इस केंद्र की भाजपा की सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा है और झुकना पड़ा है, तो कि आपके सामने। और अभी आज के बाद से लेकर 1.5 साल तक इस हिंदुस्तान के अंदर 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। शुरुआत हरियाणा और कश्मीर से हो रही है। ऐ चुनाव में छोटा मोटा चुनाव ना मान लियो, ये चुनाव एक संदेश देने का काम करेगा। ये चुनाव आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का काम करेगा। 700 किसानों की कुर्बानी अगर किसान किसानी को याद नहीं रहेगी, तो मैं समझता हूं कि ये चुनावी संदेश बहुत उल्टा दे देगा अपने को। पूरे हरियाणा ने, पंजाब ने, बहुत मजबूत प्रदेश है हरियाणा। छोटो है चूरू थारों बड़ो जरूर है, पर मजबूत बहुत हो। और सारी मजबूती की लोग चर्चा कर रहे हैं देश के अलग अलग कोने के अंदर, तो चुनाव थारों को नहीं है, पूरे देश के एक आम आदमी थारे चुनाव की ओर नजर लगाए बैठे है। थारे आस पास पड़ोसिया हूँ कड़े कूड़ी भिड़ेड़े भी होने हैं, तो मरम लगा लियो, 5 तरीके की मैं देखियो। एक ही चीज दिखना चाहिए कि भाजपा हरियाणा से बाहर होनी चाहिए, सीट 20 ना दे दियो वरना नुकसान आप में ही होगा। साथियों बहुत बड़ा संदेश देगा चुनाव, ये बहुत बड़ा संदेश देगा। अपन आज एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपन अगर इस एमएसपी को जिंदा देखना चाहते हो, किसानों की जिंदगी में हकीकत बनना देना चाहते हो, तो मैं थाने सारा से निवेदन करना आया हूँ कि इस बार कोई चूक ना कर दियो, क्योंकि चुनाव का परिणाम उस एमएसपी की जीत की जाप की जान है। बात मांग के कर लेना आप लोग, कहीं पर भी चूक कर जाओगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को मान लेगी। क्या हो गयो गनाई धरना प्रदर्शन कर रहा है, जनता तो मैंने वोट देके गई है, मैं तो सरकार बनगी, आप लोग कि मैं भी नहीं बटेगा। अरे लोकल चुनाव ना बना लियो, आप एक चुनाव के अंदर अगर पटकनी दे दोगा भाजपा ने, तो आने वाले 1.5 साल में 10 राज्यों के चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों भाजपा कदम 400 पार को नारो दिए है, कदम 75 पार को नारो दिए है, ये व्यापारी से भ्रमित करने को काम करे है। अपने को एक ही नारा होना चाहिए, इस बार भाजपा सीमा पार, सीमा से पार करनी है। बने कर दो लगे हाँ हुक्म करेगा, ये चक्कर है लोगों ने कर दो लगे। हाँ इतना कि माए है दोस्तों।
बाकी जो फार्मोर दोष भर देगा उठा दोष भर दियो कि 5 तारीख में वो मशीन को तो पता नहीं है हाथ के निशान पे टी 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 करे और वह टी टी की आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए इसी व्यवस्था कर दियो थोड़ा बहुत बहुत मैट्रिक मैट्रिक चुनाव है सब लोगों ने साथ दिया है हमारा नरेंद्र भाई गागरवास भी आया हुआ है सभी हमारे राजगढ़ के भी पड़ोसी सारे जिले के लोग भी आए हुए हैं उम्मेदवार राम जी भी आए हुए हैं मैं सबको एक ही नजर करना है ये चुनाव हम बहुत बड़े मन के साथ लड़ रहे हैं बहुत बड़ा संदेश देने का काम करना चाहते हैं मैं जहां पर भी जा रहा हूँ यही अपील मेरे किसान साथियों से और मेरे युवाओं से करना चाहता हूँ कि फेलो परिवर्तन लास्ट को हो हरियाणा में ताकत है क्या ताकत है एक बार नहीं कई बार करके दिखाई है 700 किसानों की शहादत उस किसानी के लिए थी साथियों भूल ना जाइए किसी भी हालत में कोई तेरों मेरों ना देखी हो कोई भाईचारों की ना देखी हो सबकी सौम में साथ लेकर चलोगा जल्दी पार पड़ेगी जब मुद्दे बड़े होते हैं तो लड़ाई बड़ी लड़नी पड़ती है आपको मैं तो चूरू जिले से आता हूँ हमारे तो मोरिया बोलता ना 18 साल है मंदिरों को खाने गए अरे कि बुलवाओ गे के बुलवाओगा दोनों मोहल्लों का कुआड़ी तो बुजुर्ग ला रहे हो कुआड़ी आ रहा हूँ दोनों बोलो के बुलवाओगा तो बुलवा दो और कांग्रेस पार्टी की ऐसी जीत होनी चाहिए अरे खारो पड़ोसी खारो पाई राहुल कुशवाहा बहुत मानन है बहुत बहुत धन्यवाद है।